फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड फोल्डर्स चैनल। मैं हूं आपका होस्ट आशीष। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की कड़ी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आप इसे लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कड़ी के लिए मैंने तकरीबन एक कप बेसन लिया है और दो मीडियम साइज के प्याज भी हैं, जैसे मैंने पत्ता पत्ता स्लाइस कर लिया है हमारी पकौड़ियों के लिए। मैंने यहाँ मेथी दाना, दही और तेल का भी इस्तेमाल किया है। मैंने यहाँ तकरीबन एक छोटा चम्मच मेथी दाने का इस्तेमाल किया है और एक कप दही का। और तड़के के लिए यहाँ मैं लाल मिर्च और कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कड़ी के लिए पकौड़ियाँ बना लेते हैं। एक कटोरी में सबसे पहले हम अपने कटे हुए प्याज मिलाएंगे। तो चलिए प्याज में अब हम बेसन में मिला देंगे। पकौड़ियाँ बाइंड करने के लिए मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी मिला रहा हूँ और अब हम इसमें एक छोटा चम्मच नमक का भी मिला देंगे। तो चलिए आइए अब हम इसका बैटर बना लेते हैं। हमें पकौड़ियों का बैटर ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, इसे हल्का सा टाइट रखेंगे। हमारी पकौड़ी का बैटर बनने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसे हमने हल्का सा टाइट ही रखा है। तो चलिए अब हम अपनी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैं एक कढ़ाई में तेल ले रहा हूँ। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें एक एक करके अपनी पकौड़ियाँ छोड़ेंगे। हमारी पकौड़ी में बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो चलिए अब हम अपनी कड़ी की ग्रेवी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने तकरीबन एक बड़ा चम्मच तेल लिया है। जब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो हम उसमें तकरीबन दो से तीन लाल मिर्च मिलाएंगे। जब हमारी लाल मिर्च थोड़ी सी भुन जाए तो हम उसमें अपने कड़ी पत्ता ऐड कर देंगे। हमें दोनों को अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें एक छोटा चम्मच मेथी दाना का मिलाएंगे। हमारे कड़ी पत्ता और मेथी दाना अच्छे से भुन चुके हैं, तो चलिए अब हम इसमें एक छोटा चम्मच हल्दी का मिला देंगे और एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का। अगर आप लाल मिर्च कम खाते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने खड़ी लाल मिर्च ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो चलिए अब हम इसमें बेसन का घोल मिला देते हैं, जिसे हमने आधा कप बेसन और 200 ml पानी से बनाया है। अब हम इसमें अपना दही मिला देंगे। दही मिलाने के बाद हमें इसे 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाना है। हमारी कढ़ी में हल्का सा कलर आ गया, तो चलिए हम उसमें नमक मिला देंगे। तो चलिए अब हम अपनी कढ़ी को ढक के 5 मिनट और पकने देते हैं। हमारी कढ़ी अच्छी तरह पक चुकी है, तो चलिए अब हम उसमें अपनी पकौड़ियाँ मिला देते हैं। पकौड़ियाँ मिलाने के बाद हमें बस इसे 1-2 मिनट ही पकाना है। फ्रेंड्स, ये आपको रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम इसी तरह आपके लिए इजी और सिंपल रेसिपी लाते रहेंगे। तो बाय द टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द फूड फोल्डर्स चैनल।